अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मज़मून मराठी की। जी हाँ, मराठी मज़मून को दूसरी जमात में भी रखा गया है, इसीलिए दूसरी जमात के मराठी मज़मून में आज हम पढ़ेंगे सबक फड़ांचा राजा, यानी फलों का राजा किसे कहते हैं। ये एक नज़म है, ये एक गाना है, जिसके ज़रिए हम बहुत किस्म के फलों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आप तो जानते हैं कि फलों को कितनी अहमियत है। हम फल खाते हैं, हमें फलों से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर वगैरह वगैरह। लेकिन फल कहाँ से हासिल होते हैं, कौन से शहर से फल आते हैं, इसके बारे में हम इस गाने में मालूमत हासिल करेंगे। अब इसमें हमने लर्निंग आउटकम डाला है कि बच्चे फलों के नाम मराठी में सीखेंगे, बच्चे फलों के नाम मराठी में लेंगे, बात करेंगे और फल कहाँ से आए हैं इनके बारे में सीखेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, संतरा कहाँ से आता है, नागपुर से आता है। तो ये हमारे महाराष्ट्र की खासियत है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ से अलग अलग किस्म के फल आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस गाने के ज़रिए, इस नज़म के ज़रिए कि कौन से फल कहाँ से आते हैं और हाँ, फलों का राजा किसे कहते हैं, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि 2020 नई तालीमी पॉलिसी के तहत बच्चों का विकास, बच्चों की तरक्की होना ज़रूरी है और बच्चों में इल्मी तरक्की, ज़हनी तरक्की, जज्बाती तरक्की, सकाफती तरक्की और जमालियाती तरक्की होना भी लाजमी है। इसीलिए इस सबक से हम बच्चों की ज़बानी, ज़हनी, इल्मी तरक्की करेंगे, बच्चों को भाषा का विकास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाना, नज़म फड़ांचा राजा। शुक्रिया।